अब से दीदी माँ कहलाएंगी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। उमा भारती ने 1992 में अमरकंटक में संन्यास लिया था, जिसे 17 नवंबर को पूरे 30 साल हो जाएंगे और 17 तारीख से वे अपने परिवार से मोह और अर्थ के बंधनों को त्याग देंगी। अब उमा भारती ने ऐलान किया है कि वे अब से दीदी माँ कहलाएंगी। उमा भारती के संन्यास को 17 नवंबर को 30 साल पूरे हो जाएंगे, जिसे लेकर उन्होंने अपने ट्विटर पर एक एक कर 17 ट्वीट किए और परिवारजनों को सभी बंधनों से मुक्त करने और खुद के भी पारिवारिक बंधनों के मोह और अर्थ से मुक्त होने की बात कही। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अपने गुरु के किए गए 3 प्रश्नों के उत्तर देकर और खुद 3 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर दीक्षा ग्रहण की। उमा ने यह भी बताया कि उनके गुरु ने उनके राजनीतिक जीवन को लेकर कहा है कि देश के लिए राजनीति करनी पड़ेगी, राजनीति में मैं किसी भी पद पर रहूं, मुझे और मेरी जानकारी में सहयोगियों को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से दूर रहना होगा। उमा ने ट्वीट में लिखा कि उनके गुरुदेव ने परिवार के संबंध में कहा है कि मैं परिवार से संबंध रख सकती हूं, लेकिन करुणा, दया, मोह या अर्थ नहीं रख सकती। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।